दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंकाल व मांसपेशिया तंत्र संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे UPSC, UPPCS, BPSC, RRB, SSC परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और सारे ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंकाल व मांसपेशिया तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, ए अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी जल का। सही आंसर है डी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो है वो किसके वजह से है, जल के वजह से है। और आपको मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में जो जल का जो प्रतिशत है वो कितना है, 70% जल का है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, ए लगभग 70% पानी, बी 20-30% पानी, सी 10-20% पानी, डी 30-40% पानी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए 70%, अभी आपको बताएं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है, ए लोह, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, डी आयोडीन। सही आंसर है सी ऑक्सीजन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में सबसे अधिकतम मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑर्डर आप याद रखेंगे, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन ध्यान रखेंगे, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, OCH याद रखिएगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है NCP, क्या ध्यान रखना, NCP एक पार्टी का नाम भी है, NCP, N से नाइट्रोजन, C से हो जाएगा आपका यहाँ पर कैल्शियम, और P से हो जाएगा फॉस्फोरस, ध्यान रखेंगे, ये वाला C से समझिएगा कार्बन और ये वाला C से समझिएगा कैल्शियम, ठीक है, ये काम आएगा आपको, याद रखेंगे OCH NCP। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, अब देखिए अधिकतम मात्रा में, अब इनमें से पढ़िए आप ऑप्शन को, ए लोहा, बी सोडियम, सी फॉस्फोरस, डी कैल्शियम। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ओ तो है नहीं, सी भी नहीं है, एच भी नहीं है, उसके बाद क्या बताए थे, NCP, तो देखिए चारों तो है नहीं, तो किसका बारी आ जाएगा, कैल्शियम का, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है, ए 204 अस्थियां, सी 208 अस्थियां, बी 206 अस्थियां, डी 210 अस्थियां। सही आंसर है बी 206 अस्थियां। तो मानव शरीर में जो हड्डी की संख्या होती है वो कितनी होती है, 206। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। आप जितना हमें उत्साहित करेंगे, जितना हमें आप मोटिवेट करेंगे, हमारा ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ए उमर, बी स्टेपीज, सी मैलियस, डी इनकस। सही आंसर है बी स्टेपी। जो होता है दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, लघुतम मतलब सबसे छोटा, ए कान में, बी नाक में, सी आँख में, डी पैर के अंगूठे में। सही आंसर हो जाएगा ए, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ए जांग, बी पिंडली, सी ऊपरी भुजा, डी अग्रभुजा। सही आंसर है सी ऊपरी भुजा। तो ह्यूमरस अस्थि जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, ए खोपड़ी, बी टांग,
सी भुजा, डी मुंह। सही आंसर है बी। तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ए स्टेपिस, बी फेबुला, सी टिबिया, डी फीमर। सही आंसर है डी फीमर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी, लंबी बोले या बड़ी बोले एक ही होगा, सबसे लंबी और बड़ी जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो कौन होता है? फीमर होता है। और यह कहाँ पे होता है? तो यह जांग में होता है। कहाँ पर होता है? जांग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी या लंबी हड्डी कौन सी है ए निहाई ब्रैकेट इनकस, बी रकाब ब्रैकेट स्टेपिस, सी कान की हड्डी, डी जांग की हड्डी। अभी बताएं दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा डी जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए खोखली होती है, बी संरंध्री होती है, सी ठोस होती है, डी किलक होती है। सही आंसर है सी ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है ए टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी फेबुला। सही आंसर है बी ह्यूमरस, जो है मानव की पैर की हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। सही आंसर है बी टांग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं ए 28, बी 30, सी 32, डी 40। सही आंसर है ए 28। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी किसी बुक में 29 भी दिया रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग या में, जहाँ पे 29 भी दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है ए मेटाटार्सलस, बी टार्सलस, सी मेटाकार्पलस, डी कार्पलस। सही आंसर है ए मेटाटार्सलस, जो होता है वो कलाई की हड्डियों का नाम है। आनन कंकाल ब्रैकेट फेशियल स्केलेटन कितनी हड्डियों का बना होता है ए 14, बी 15, सी 18, डी 24। सही आंसर है ए 14। तो जो फेशियल स्केलेटन होता है, आनन कंकाल जो होता है, उसमें हड्डियों का कितनी संख्या होती है? 14। अगला क्वेश्चन है, फेबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है ए खोपड़ी में, बी हाथ में, सी टांग में, डी बॉक्स में। सही आंसर है सी टांग में। अगला क्वेश्चन है, पटेला क्या है ए कपाल में स्थित एक पेशी, बी हृदय में स्थित एक पेशी, सी क्वाड्रिसेप्स की सिसमोइड अस्थि, डी पैर में पाई जाने वाली अस्थि। सही आंसर है डी पटेला, जो होता है वो पैर की एक हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। सही आंसर है सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है ए सोडियम और पोटासियम, बी लोह और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम, डी कैल्शियम और फॉस्फोरस। सही आंसर है डी कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है हड्डी और दांत को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं ए आयोडीन की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी लोहे की कमी से, डी कोबाल्ट की कमी से। सही आंसर है बी कैल्शियम की कमी होने से वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपस्थि,
डी एक नई छोटी पेशी। सही आंसर है बी टेंडन। दोस्तों ध्यान रखेंगे टेंडन का एक और नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसको कंड्रा बोलते हैं। टेंडन इंग्लिश नाम है और इसको क्या बोलते हैं, कंड्रा। अगला क्वेश्चन है अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है, ए कंड्रा, बी स्नायु, सी उपास्थि, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए कंड्रा। अभी आपको बताएं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंडन, टेंडन। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ ब्रैकेट इलास्टिक ऊतक ब्रैकेट टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें कहते हैं, ए स्नायु ब्रैकेट लिंगामेंट, बी तंतुमय ऊतक, सी फाइब्रिन, डी मांसपेशीय ऊतक। सही आंसर है ए लिंगामेंट। लिंगामेंट को स्नायु बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है हड्डियों को एक साथ, हड्डियों को कौन एक साथ जोड़ता है, ये लिंगामेंट, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है तो टेंडन, याद रखना है। ये सब आपको जब हम वन लाइनर कराएंगे तो वहाँ पे आपको सारा थ्योरी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट जोड़ता है, ए हड्डी को हड्डी से, बी पेशी को पेशी से, सी हड्डी को पेशी से, डी पेशी को उपस्थिति से। सही आंसर हो जाएगा ए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है, ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। सही आंसर है ए 12। अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी ब्रैकेट एंथ्रोप्लास्टी क्या है, ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण ब्रैकेट किडनी ट्रांसप्लांट, सी कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन ब्रैकेट हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, डी रुधिर आघान ब्रैकेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सही आंसर है सी कूल्हे का जोर का जो प्रतिस्थापन होता है, जो रिप्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोप्लास्टी, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऑर्थोप्लास्टी। अगला क्वेश्चन है दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, ए केवल भोजन के कणों से, बी भोजन के कण और थूक से, सी भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, डी भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों ध्यान रखना है भोजन के कण थूक और मुख का जो अम्ल होता है और बैक्टीरिया, ये सब मिलकर एक परत बनाता है जो पीला टाइप का होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है नाखून जो होता है वो मृत कोशिकाओं का बना रहता है और इसीलिए इन्हें काटने पर हमें कोई दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। सही आंसर है डी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दांत के और हड्डी के निर्माण में आयोडीन का कोई योगदान नहीं होता, बाकी ये तीनों का कैल्शियम फॉस्फोरस और फ्लोरीन का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत दो बार विकसित होती हैं, ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। सही आंसर है सी 20। तो 20 दांतें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के जीवन में दो बार जन्म लेती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, ए अस्थि, बी दंतवलक, सी डेंटिन, डी सीमेंटम। सही आंसर है दंतवलक। दंतवलक को इनामेल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इंग्लिश नाम भी दे देता है। तो दोस्तों दंतवलक जो होता है, इनामेल जो होता है,
यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। यह एक तरह का दांत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में कौन कौन है? उरोस्थि ब्रैकेट ब्रेस्ट बोन, बी जतरुक ब्रैकेट कोलर बोन, सी जनफुलक ब्रैकेट नी कैप, डी स्कंद फ्लक ब्रैकेट शोल्डर ब्लेड। सूची टू में है क्लेविकल ब्रैकेट में क्लेविकल, पैटेला ब्रैकेट में पटेला, एस्केपुला ब्रैकेट में एस्केपुला। अगला है स्टर्नम ब्रैकेट में स्टर्नम। अब मिलान करना है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे हम मिला देते हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप याद रखेंगे। ब्रेस्ट बोन का जुड़ाव रहेगा स्टर्नम से, कोलर बोन का जुड़ाव है क्लेविकल से, नी कैप का जुड़ाव है पटेला से, और शोल्डर ब्लेड का जुड़ाव है एस्केपुला से। तो इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा डी। इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ए स्तनक, बी रकाव, सी उर्वरवस्थि, डी ककूद। सही आंसर है सी उर्वस्थि। अगला क्वेश्चन है, अस्तनियों में ब्राह्म कंकाल का उदाहरण क्या है? ए कशेरुक दंड, बी त्वचा, सी हाथ एवं पैर, डी नाखून बाल व खूर। सही आंसर है डी, नाखून बाल और खूर जो है वो अस्तनियों के ब्राह्म कंकाल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? ए वसा का, बी हार्मोन का, सी प्रोटीन का, डी रुधिराणुओं का। सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अस्थि मज्जा में ध्यान रखेंगे किसका निर्माण होता है, रुधिराणुओं का होता है, और ये दो जगह रहता है, एक तो आपका पैरों की लंबी जो हड्डी होती है उसमें, और एक खोपड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? ए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, बी वसा से प्रोटीन, डी पायरिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, सी ग्लूकोज से प्रोटीन। सही आंसर है डी, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और इसके वजह से हमारे मांसपेशियों में जकड़न होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 39 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कंकाल और मांसपेशी से संबंधित थे। तो दोस्तों इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे केवल MCQ ही नहीं, MCQ आपको दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको वन लाइनर और उस पर आधारित आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी दिया जाएगा। मतलब एक टॉपिक का तीन हम इंतजाम करेंगे, एक थ्योरी कॉन्सेप्ट, दूसरा उसका वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा, और तीसरा उस पर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिस तरीके से हम करा रहे हैं। और एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। आप जितना हमें उत्साहित करेंगे, जितना हमें आप मोटिवेट करेंगे, हमारा ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए।